हेलो एवरीवन। सो बेटा, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट किया था और हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था और फिर हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ा था ना। फिर हमने स्फेरिकल में आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ा था। स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने आपको क्या था, इनर सर्फेस एंड आउटर सर्फेस दोनों को अर्थ करके या लो पोटेंशियल पे करके दिखाया था कि क्या इफेक्ट होता है ना। कोई भी कैपेसिटर है उसका एक सरफेस हाई पोटेंशियल पे होगा, दूसरा सरफेस आपका लो पोटेंशियल पे होगा। जहां आप ये भी बोल सकते हो दूसरे सरफेस को अगर अर्थ कर दिया है ना, तो हमने डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए उनकी कैपेसिटेंस निकाली। पैरेलल प्लेट के लिए रिजल्ट्स निकाले, स्फेरिकल के लिए निकाले हैं, सिलेंडर के लिए निकाले। फिर उन रिजल्ट्स से हमने एक चीज और थी कि कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है अगर सरफेस ऑफ कैपेसिटर के बीच में आप लोग डायलैक्ट्रिक मीडियम या कंडक्टिंग मीडियम प्लेस करते हैं, है ना। तो अब तक ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस में, है ना। तो कैपेसिटेंस हमें पता था क्या होता है, जो चार्ज स्टोर करता है ना, जहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। यानी आपको बताया भी है कैपेसिटर के अंदर दो सर्फेसिस हैं जो आपस में पैरेलल है एक तरह से ना। उन सर्फेसिस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द चार्ज ऑन दैट सर्फेस। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वॉल्यूम में है उसी वॉल्यूम में हम बोलेंगे एक एनर्जी स्टोर्ड है, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था उसके बारे में कि कैसे यूज कर सकते हैं कैपेसिटर को फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पे भी आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए तो आप लोग कैपेसिटर को यूज कर सकते हो, है ना। कैपेसिटर चार्ज करने के लिए करना क्या है, बस कैपेसिटर के एक सरफेस को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना है, दूसरे को या तो लो पोटेंशियल के साथ या फिर आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए दूसरे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ग्रो हो जाता है। तो आज जो अब हम करने वाले हैं बेटा वो है, तो कैपेसिटर के अंदर हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है बेटा, सी है। कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस क्या है, सी है। और मैंने इसको बैटरी के अक्रॉस लगा दिया है जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है। तो बैटरी से चार्ज लेगा, बैटरी के हाई पोटेंशियल से ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट के ऊपर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एक के ऊपर प्लस के चार्ज, एक के ऊपर माइनस के चार्ज। देखो बेटा चार्ज ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया एकदम से पॉजिटिव प्लस के और माइनस के आ जाएगा। चार्ज धीरे धीरे ग्रो होता है कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज क्या है बेटा धीरे धीरे ग्रो होता है, कुछ समय लेता है, ठीक है। वो इतना मैं ये नहीं बोल रहा बहुत धीरे होता है, बहुत फास्ट होता है, बट एकदम से ऐसा नहीं इंस्टेंटेनियसली उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा चार्ज ग्रो होगा बेटा, देखो अगर किसी भी इंस्टेंट पे हम लेट कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट टी किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। कैपेसिटर के क्रॉस कितना चार्ज है बेटा, क्यू है, मतलब इसके ऊपर प्लस क्यू है, इसके ऊपर माइनस क्यू है बेटा। ओके, इस वक्त कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल की तरह ड्रॉप हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं सर बैटरी वी लगी हो तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल वी ड्रॉप होगा, नहीं, ध्यान रखना है बेटा वी तो पोटेंशियल वो है जो बैटरी ने क्रिएट किया हुआ है, इसके सरफेस के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू बाई सी। आप सबको मालूम है क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल, और दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल अभी बैटरी के बराबर नहीं हुआ है बेटा। ओके, अभी क्या है, चार्ज ग्रो हो रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल वी है, क्लियर है, और चार्ज इसके ऊपर क्यू है, तो क्यू इक्वल टू सी वी हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमारे पास क्या है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, समझ आई ये चीज। अब लेट्स से क्या हुआ है, अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, ये हुआ था बात एट इंस्टेंट टी, लेट्स से आफ्टर डीटी टाइम क्या हुआ है। ओके, तो एट इंस्टेंट टी प्लस डीटी,
टी प्लस डी टी स्टेट के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो हो गया दैट इज इक्वल टू हो गया बेटा क्यू प्लस डी क्यू हो गया, क्यू प्लस क्या हो गया डी क्यू हो गया है। तो ये जो डी क्यू है, डी क्यू क्या हुआ है, जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ा है, ओके, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना इंक्रीज हो गया है बाय डी क्यू, ओके। और ये डी क्यू चार्ज जो फ्लो करवाया है बैटरी ने, वो कितने पोटेंशियल के क्रॉस करवाया है, क्यू बाई सी के क्रॉस करवाया है। क्लियर है बेटा, यहां पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ग्रो हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है यहां पे बेटा, कैपेसिटर के ऊपर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर चार्ज क्यों था, ओके, ये चार्ज क्यों वेरी कर रहा है। इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर t = 0 के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था, 0 था, और जब फुली चार्ज हो जाएगा लेट्स से क्यों की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू होगी, ओके। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 से कैपिटल क्यू तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा, ओके। तो किसी भी स्टेट के ऊपर मैंने स्मॉल क्यू मान लिया, तो स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू सी इनटू वी होगा, और वी का तब मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस उस वक्त कितना पोटेंशियल है, ओके। तो वी विल बी इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई सी। तो इस पोटेंशियल, बहुत स्मॉल इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उस डीटी टाइम के लिए हमारा वी नहीं चेंज हुआ, बट उस डीटी टाइम में क्या हुआ, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ग्रो हो गया है, कितना डी क्यू अमाउंट से ग्रो हो गया है, तो कैपेसिटर के ऊपर अभी चार्ज कितना है, क्यू प्लस डी क्यू। तो वर्क डन ऑन कैपेसिटर कितना है, फिर अभी वर्क डन ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है बेटा, और सबसे पहले इवन स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डीटी टाइम निकालेंगे, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, डन जितना पोटेंशियल था इनटू डी क्यू, ठीक है ना बेटा। आपको डेफिनेशन पता ही है, पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो डी क्यू चार्ज इस सरफेस के ऊपर इंक्रीज हुआ है, यहां पे क्यू से कितना हो गया है चार्ज, क्यू प्लस डी क्यू हो गया बेटा, तो चार्ज इस सरफेस के ऊपर इंक्रीज हुआ है, तो इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना था, वी था बेटा, ओके। तो वी इंटू क्या हो जाएगा, डी क्यू वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन कैपेसिटर W will be equal to क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आएगा, तो W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ V dQ आ जाएगा। अगर तो V कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर आता है, V जो है पोटेंशियल ऑफ बैटरी नहीं है, बैटरी का पोटेंशियल जरूर कांस्टेंट रहता है बेटा, लेकिन कैपेसिटर के सरफेस के क्रॉस जैसे जैसे पोटेंशियल चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो V की वैल्यू Q के साथ वेरी कर रही है, आप यहां से भी देख सकते हो, तो V को क्या डाल सकते हो, Q by C dQ। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, चार्ज की लिमिट डाल देते हैं 0 से क्यू, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 बाय सी क्यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट डालोगे 0 टू क्यू, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है बेटा, और यही वर्क डन कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। इनिशियली तो बेटा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 था, इनिशियल एनर्जी तो 0 थी ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी लिखोगे, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, इनिशियल तो 0 ही है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ई विल बी इक्वल टू क्या देगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्लियर है बेटा, ओके। ये आप अगर इसे स्मॉल, आप पोटेंशियल को वी डैश लिखना चाहते हो वी डैश भी लिख सकते हो, यहां पर वी डैश लिख सकते हो, क्योंकि वी का मतलब यहां पर मैं मान रहा हूं पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी। क्लियर है बेटा, तो ये बन गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर है जब वो फुली चार्ज है बेटा। तो जब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा, ओके। और तब आप बोल सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि जब इसके ऊपर पोटेंशियल चार्ज क्यू आ गया है उस वक्त इसके क्रॉस भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस बैटरी के क्रॉस है। आपको मालूम ही है बेटा बैटरी से कैपेसिटर के सरफेस तक चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक इसका इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, कैपिटल क्यू। फुली चार्ज है कैपेसिटर हमारा, इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता ये, ओके। फुली चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है अभी इसके क्रॉस भी ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी डैश नहीं होगा, ओके। तो क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहां पर सी वी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कैपिटल क्यू का मतलब है फुली चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, ओके। तो नेचुरल सी बात है, फुली चार्ज के वक्त पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस भी उतना ही होगा जितना बैटरी के क्रॉस है, ओके। तो इसका मतलब आप क्यू को यहां पे सी भी लिख सकते हो, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा,
हाफ सीवी स्क्वायर भी बन जाएगा। और एक चीज और कर सकते हो आप बेटा, अगर इसको क्यू और वी की फॉर्म में लिखना है तो सी को एलिमिनेट कर देते हैं, सी को क्यू बाई वी डाल दोगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, हाफ क्यू इंटू वी। तो हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की। क्लियर है बेटा? तो कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था पहले पार्ट में भी कि कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर के एक सरफेस को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो सरफेस अपना इस सोर्स के साथ पोटेंशियल मेंटेन करना चाहेगा और इससे चार्ज लेना स्टार्ट कर देता है, तो चार्ज इसके ऊपर बढ़ता जाएगा और सेम टाइम पे ये अपने ऑपोजिट सरफेस के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर देगा और उसका आउटर सरफेस को हम लोग लो पोटेंशियल या अर्थ कर देते हैं जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज कैपेसिटर के दो सरफेस होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। ओके, और अब जो ये बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज को ग्रो करवाया तो बैटरी ने वर्क डन किया है कैपेसिटर के ऊपर, वो वर्क डन जो होगा वही कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो बैटरी ने कितना वर्क डन करवाया बेटा वो निकाला हमने, वो आया हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो वही एनर्जी स्टोर्ड हो गई है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, क्यू की वैल्यू आप सी इंटू वी रिप्लेस कर सकते हो, यहां पे वी का मतलब है पोटेंशियल जो हमने दोनों सरफेस के क्रॉस लगाया है। प्लीज ये चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं। V डैश क्या है बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, V का मतलब है बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल, और ऐसा नहीं है बैटरी के साथ कैपेसिटर को लगा दिया तो बैटरी कैपेसिटर के दोनों सरफेस के क्रॉस पोटेंशियल V होगा। कैपेसिटर क्या है बेटा, धीरे धीरे चार्ज होता है, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा वो अपना पोटेंशियल इसके साथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा, और मेंटेन कब कर पाएगा, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा, तब आप लिख सकते हो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इनटू वी। वी का मतलब है जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, बट किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज नहीं है तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल क्यू बाय सी। तो यहां पे वी वेरी कर रहा है एक तरह से चार्ज के साथ, इसीलिए क्यू बाय सी के साथ रिप्लेस कर दिया। अगर हमारा वी वेरी ना कर रहा होता बेटा फिर तो यहां से इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाता, सिर्फ डी क्यू की इंटीग्रेशन रह जाती। तो यहां पे ये रिजल्ट निकाला है हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का बेटा। ओके, तो ये रिजल्ट्स ध्यान में रखिए। अब अगर आप एक चीज और देखोगे बेटा यहां पे, ये नोट डाउन करिए डेरिवेशंस बेटा, ठीक है, ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लो। और देखो बेटा, अब अगर आपसे एक चीज और पूछी जाए, ये तो वर्क डन ऑन कैपेसिटर है बेटा, अगर मैं यहां पर बोलू वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, देखो बेटा बैटरी क्या काम करती है, बैटरी जिन्होंने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा सेल के अंदर क्या होता है, जैसे यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स करंट इस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, चार्ज फ्लो। और बैटरी में क्या होता है, देखो बेटा वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बैटरी में उल्टा होता है, बैटरी में क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से क्या है ये क्यों कैसे कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है कहां से, केमिकल रिएक्शन से मिलती है। ओके, वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है जिससे वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के पास जाते हैं। ओके, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जितना भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर गया है वो बैटरी के थ्रू भी हुआ है कि नहीं हुआ, नेचुरल सी बात है, यहां से जंप किया है कि नहीं किया, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, वी इंटू चार्ज मूव डी क्यू, है ना, और टोटल के लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे नहीं कर देंगे बेटा। अब जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं पोटेंशियल्स इनके बीच में फिक्स्ड रहता है, ये तो नहीं वेरी कर रहा, ठीक है ना बेटा, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज भले क्यू फ्लो हुआ था भले कैपिटल क्यू फ्लो हुआ था, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है, तो यहां से वी कॉमन आके डी क्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी, डी क्यू क्यू टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है क्यू, तो वी इंटू क्यू आ जाएगा। अब देखिए बेटा बैटरी ने कितना काम किया है, वी इंटू क्यू, बैटरी ने कितना काम किया है, V इंटू क्यू, बट कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, हाफ क्यू वी, तो हाफ क्यू वी एनर्जी कहां गई फिर। तो बेटा ये चीज एक बात मतलब छोटा सा कंसेप्ट है जो आपने ध्यान में रखना, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो यहां पे 50% ऑफ द एनर्जी आपकी लॉस हो गई है, बैटरी ने टोटल इतनी एनर्जी कंज्यूम की है और कैपेसिटर के पास सिर्फ इतनी पहुंची है, हाफ ऑफ द क्यों भी कहां चला गया है, वो यहीं पे ही लॉस हो गया है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, कैपेसिटर को चार्ज करने में हमेशा लॉस हो रहा है, 50% ऑफ द अमाउंट इज लॉस्ट
वाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने 50%, आप देख सकते हो टोटल वर्क डन वी इनटू क्यू हुआ था, तो इतनी ही एनर्जी कैपेसिटर के पास पहुंची होगी, बट कैपेसिटर ने इसमें से सिर्फ हाफ क्यू वी स्टोर की है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, हाफ क्यू वी का है, तो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसिटर कितना हो गया, एनर्जी कितना हो गया बेटा, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो कितना हो गया बेटा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी, ठीक है, ये टोटल वर्क डन हुआ है, ये स्टोर हुआ है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे हाफ क्यू वी, तो हाफ क्यू एनर्जी मतलब 50% ऑफ द एनर्जी जो है बेटा वो लॉस हो गई है हमारी टू चार्ज अ कैपेसिटर, ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो यहां पे बेटा जो ये डेरिवेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको चीज बताई है, इसको भी ध्यान में रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम में आती है ये चीज। ओके, तो ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर के अंदर अब आपको मालूम ही है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बेटा वो कहां पे स्टोर्ड होगी, ठीक है, और किस फॉर्म में स्टोर होगी, ये चीज मैं आपको बातों बातों में बता चुका हूं। हमारा कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर के पास क्या होता है बेटा, दो सर्फेसिस होते हैं, उन सर्फेस के बीच में जो वॉल्यूम है, दो सर्फेस ने जो दो सर्फेस ने वॉल्यूम को इंक्लोज किया हुआ है, उसी वॉल्यूम के अंदर बेटा हमारी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। बेटा डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, बेटा डेंसिटी वर्ड आप सबने सुना होगा, आपको कोई भी बोले डेंसिटी, आप बोलते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखो वो होता है मास डेंसिटी बेटा, है ना, ऐसे किसी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम एक तरह से, है ना, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो हम नॉर्मली मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं ना उसे इंस्टेड ऑफ सेइंग डेंसिटी उसे मास डेंसिटी के अंदर कहना ज्यादा सही है, ठीक है, वो चलो हम लोग सिंपली नॉर्मली बोल देते हैं डेंसिटी, बट एग्जैक्टली दैट इज मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अब जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर दो सर्फेसिस है ये वाले, है ना, तो इन दोनों सर्फेस का लेट्स से सर्फेस एरिया ए है बेटा, सर्फेस एरिया ए है, और इनके बीच का जो ये गैप है ये है, ये लेंथ क्या है, ये डिफरेंस कितना है बेटा, डी डिस्टेंस है दोनों बीच में, तो अगर आप यहां पे बेटा जो मैंने अभी ड्रॉ भी कर दिया है तो आप वॉल्यूम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, ये जो दो सर्फेस है जिनके क्रॉस हमने पोटेंशियल क्रिएट किया है वी, ठीक है, एक सर्फेस हमारा ये है और दूसरा सर्फेस हमारा ये है, अगर आप ध्यान दोगे इस सर्फेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा, और यहां पे इस वॉल्यूम के अंदर यहां पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सर्फेस जो होगा ये आप कर चुके हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सर्फेसिस कितना था, E will be equal to sigma by epsilon, or you can say charge upon area epsilon. Okay. A का मतलब क्या है? Surface area of these plates. जो दो parallel plates पड़ी हैं उनका surface area A है. Okay. अभी हमने देखा था energy stored कितना आया था result हमारे पास? Energy stored in the capacitor. Capacitor के पास कितनी energy stored है बेटा? That is half. क्यों उसके वैसी कोई भी फॉर्मूला ले लो बेटा आपको, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा फिर, अब तो एनर्जी डेंसिटी होगा बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये कौन सा वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है, वॉल्यूम कौन सा होगा, ये जो क्यूब सा बना है कि नहीं बना, इस क्यूब का वॉल्यूम ही होगा जहां पर एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा यहां से देखो a इंटू डी वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारे पास, अब नेक्स्ट हाफ क्यू स्क्वायर, और आपको पता है अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हो बेटा, a एप्सिलॉन नॉट बाय d लिख सकते हो, और a भी a और d यहां पे है ऑलरेडी, ठीक है, ये d से d कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये क्या बन गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर एप्सिलॉन, यहां पे अगर मैं आप साइन आउट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आई होप आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि बेटा मेरे को ये चीज दिख रही है, इसका स्केयर कर दूंगा तो ये चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ओके, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हाफ ई स्केयर अपसाइन, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी
stored in a capacitor is equals to half E square epsilon naught. यहाँ पे E का मतलब क्या है? Energy, electric field between the surfaces. दो सरफेस जो कैपेसिटर के दो सरफेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज ई. ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा. ओके, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम ही है यहाँ पे. तो ये हमारे पास था एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. तो हमने एक रिजल्ट इसे भी लिख लीजिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. तो कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर कितना होगा, ये रिजल्ट रहा आपके पास. ओके, अब आपको अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर दिस और कैपेसिटर का वॉल्यूम दे दे, पूछे टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी. तो एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. ओके, तो ध्यान रखना है एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है. यहां पे वॉल्यूम का मतलब समझिए बेटा, ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर के सरफेस के ऊपर चार्ज ग्रो होने की वजह से जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उसी वॉल्यूम के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होगी. ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है. अच्छा, मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा. देखो, लेट्स से हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस है आर और इसके ऊपर चार्ज क्यू स्टोर है. ठीक है, अब मैं आपको पोटेंशियल वाले पार्ट में लेके जाना चाहता हूं. एनर्जी स्टोर्ड इन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. तो देखो क्या होगा, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होगा कि नहीं होगा बेटा. सी का मतलब यहां पे क्या है, सी का मतलब यहां पे क्या है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. और आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप सबको मालूम ही है क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. क्लियर, अब ध्यान से देखो बेटा ये रिजल्ट को, ये रिजल्ट आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में मैंने आपको करवाया था कि किसी कंडक्टर के ऊपर अगर क्यू चार्ज स्टोर है तो इस कंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, हमने वो किया था वहां पे. आप उस पार्ट को दोबारा से फिर देखो कैसे किया था मैंने. तो वहां पे भी क्या हो रहा था, मैं इस सरफेस के ऊपर चार्ज को ला के रख रहा था धीरे धीरे और चार्ज को जीरो से क्यू ग्रो करवाया था मैंने इसके ऊपर. ओके, और उस दौरान वर्क डन कितना हुआ था, वही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. तो वही चीज तो कैपेसिटर में कर रहे हैं बेटा. कैपेसिटर वाले पार्ट में कोई चीज टफ नहीं है अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ध्यान से समझा है. ओके, तो ये मैंने जस्ट आपको करके दिखाया कि जो चीज यहां पे कर रहे हैं वही पीछे भी कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जो यहां पे यूज कर रहे हैं बेटा वो पिछले चैप्टर में ही ड्राइव किया था हमने. ओके, तो रिजल्ट तो हमारे सेम आएंगे ही आएंगे. आप इस वे से सोच लो, इस चैप्टर के रिजल्ट को यूज कर लो या पिछले चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को यूज कर लो बेटा. ये बेसिक कंसेप्ट से रिजल्ट निकाल दिया था पिछले चैप्टर में हमने. ओके, तो आप लोग ऐसे प्लीज आप भी ऐसे चीजों को बेटा लिंक करिए तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ा पढ़ने से बहुत चीजें समझ आने वाली है. ओके, तो ये हमारे पास था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में मैंने आपके से बात की. ओके, अच्छा अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे. तो क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है. मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए. ओके बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है. ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल वी दे रखा है और बैटरी को कनेक्ट किया है और इसके ऊपर चार्ज कितना ग्रो हो गया बेटा, सी. और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है लेट्स से. अब वो कहते कि नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस बिटवीन द टू सरफेसेस. कैपेसिटर के दोनों सरफेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया. तो चार्ज और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड ये बैटरी का पोटेंशियल तो वी है, चलो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा. इनिशियली तो इसके क्रॉस भी वी होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा. यहां पे दो केसेस हैं. इफ एक तो कहते हैं बैटरी साथ में ही लगी रहे, दूसरे केस को कहते हैं बैटरी को रिमूव कर दे एंड फिर डायलैक्ट्रिक स्लैब को डाले. तो ए केस का मतलब ये होगा, ये डायग्राम थी. ए केस का मतलब है कैपेसिटर के साथ बैटरी लगी हुई है यहां पे और यहां पे आपने क्या डाल दिया बेटा, डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दिया. लेट्स से डायलैक्ट्रिक स्लैब का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है. ओके, अब इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, ये है. और सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि आपने बैटरी रिमूव की एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया. ओके,
अब इस कैपेसिटर बैटरी को रिमूव कर दिया यहां से, ओके, अब इसका चार्ज कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ओके। तो आप ये क्वेश्चन को सोचिए, करिए और फिर सोल्यूशन देखिए, ओके। तो वीडियो को पॉज करिए, यहां पे करिए पहले, ओके ओके। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले ए केस उठा लेते हैं बेटा ना, ए केस उठा लेते हैं, केस वन। हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में क्या हुआ है बेटा, पहले चार्ज क्या हुआ था, कैपेसिटेंस सी था, पोटेंशियल वी था, और यहां पे क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी होगा। वी का मतलब क्या होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही कैपेसिटर के क्रॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा बैटरी के साथ कैपेसिटर को लगाया है तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा, तो फुली चार्ज है तो जितना कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल है उतना ही बैटरी का होगा, ओके। तो केस वन में बैटरी लगी हुई है, अब डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है बेटा, ओके। जैसे ही डायलैक्ट्रिक स्लैब डाला तो हमें सबसे पहली चीज है, हमें पता है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, के टाइम्स। न्यू कैपेसिटेंस सी डैश क्या हो जाएगी, के इंटू सी हो जाएगी, सी का मतलब है पहले जितनी कैपेसिटेंस थी। सेकेंड चीज बेटा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है और बैटरी मतलब सोर्स लगा हुआ है साथ में, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ देगा तो सोर्स से ज्यादा चार्ज ले लेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, और कैपेसिटर फिर से फुली चार्ज हो जाएगा, और जितना पोटेंशियल बैटरी के क्रॉस होगा उतना ही कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी डैश क्या होगा, वो वी के ही इक्वल रहने वाला है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू डैश, दैट विल बी इक्वल टू क्या बेटा, अब सी कितना है, सी डैश इंटू वी डैश, ये क्या हो गया, सी इंटू वी, और सी इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, ओल्ड चार्ज। तो चार्ज भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, के इंटू क्यू, तो चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज ऑन कैपेसिटर के टाइम्स, ओके। तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गई है, चार्ज और कैपेसिटर भी इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, कब, जब बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्शन में है, ठीक है बेटा। अब सेकंड केस में क्या होगा, अब केस बी कर लेते हैं बेटा, केस बी में क्या हुआ है, बैटरी को रिमूव कर दिया है, ओके। बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में क्या होगा, कैपेसिटर के सरफेस के बीच में डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है बेटा, और डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सबसे पहली चीज बेटा देखो, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय के टाइम्स, पहला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। बी केस में भी क्या होगा, कैपेसिटेंस अब भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा, क्योंकि मीडियम आ गया है अब, ओके। अब देखो बेटा, चार्ज पहले की तरह चार्ज एंड पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो बेटा, अगर आप बात करोगे अभी बैटरी की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है, ये और भी चार्ज ले सकती है, बट लेगी कहां से, क्योंकि हमने तो बैटरी रिमूव कर दी है, सोर्स ही नहीं है, तो चार्ज लेगी कहां से। तो चार्ज अभी कांस्टेंट उतना ही रहने वाला है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज ले सकती है, बट लेगी कहां से, मिलेगा नहीं कहीं से भी। तो क्यू डैश क्या होगा, क्यू के बराबर होगा, चार्ज रिमेन कंजर्व। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बेटा, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी डैश में भी कुछ क्या, जितना चार्ज हो रहा है क्यू डैश अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, सी डैश आ जाएगा ना, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो वी क्या आ जाएगा, क्यू बाय सी। तो अब पोटेंशियल कितना है इन दोनों सरफेस के क्रॉस, वी डैश, तो वी डैश में भी कुछ जितना यहां पर चार्ज स्टोर है इंटू अपॉन इसकी कैपेसिटेंस, चार्ज पहले जितना ही है, कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। और क्यू बाय सी को क्या लिख सकते हो, जो पहले कैपेसिटेंस वी था, बैटरी का पोटेंशियल लिख सकते हो, तो वी बाय के हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तो ये क्या बन गया है, वी बाय के बन गया है। तो हमारा जो पोटेंशियल है दोनों सरफेस के क्रॉस, जो पोटेंशियल है वो वन बाय के टाइम्स क्या हो गया है बेटा, डिक्रीज हो चुका है आपका। क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चन था कैपेसिटर का, जिसमें कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है और फिर मीडियम डाला है, एक बार बैटरी को कनेक्शन में ही रखा है, एक बार बैटरी को रिमूव करके देखा है। जब बैटरी कनेक्शन में रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जब बैटरी को रिमूव कर दिया तब चार्ज सेम रहेगा, और कैपेसिटेंस दोनों समय पे क्या होगी बेटा, के टाइम्स इंक्रीज ही होने वाली है। क्लियर है बेटा। तो इस क्वेश्चन को समझिए, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें
कंसेप्ट क्लियर होता है पोटेंशियल का मतलब क्या है। जब भी आपको पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर पूछा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि बैटरी के अक्रॉस वाला पोटेंशियल, उसका मतलब होता है सरफेस के क्रॉस का पोटेंशियल। और सरफेस के क्रॉस का पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप लोग, दैट विल बी इक्वल टू जितना चार्ज हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर अपॉन सी डैश। ओके, तो ये हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एनर्जी के बारे में स्टडी किया है, कैपेसिटर के इक्वेशन किया है। उसके बाद अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल बेटा मैंने आपको बताया भी था, अगर दो सर्फेसिस आपस में कनेक्शन बनाते हैं मतलब उनमें कंडक्शन होती है तो उनमें चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज कब तक फ्लो होगा जब तक उनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। सेम चीज कैपेसिटर के साथ है। लेट्स से हमारे पास दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी वन है, इसको मैंने बैटरी के क्रॉस लगाया जिसका पोटेंशियल वी वन था। ओके, लेट्स से इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यों आ गया है, इसके ऊपर माइनस क्यों आ गया है, माइनस क्यों आ गया प्लस क्यों आ गया। एंड एक और कैपेसिटर है बेटा, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लेट्स से सी टू है, और इसके ऊपर प्लस क्यों टू माइनस क्यों टू चार्ज कुछ इस तरह से, और बैटरी लगी हुई है वी टू। ठीक है बेटा, हमारे पास दो कैपेसिटर थे, दोनों कैपेसिटर्स को मैंने इंडिविजुअली चार्ज किया है। ओके, चलो वो बाद का केस होगा, हो सकता है एक चार्ज हो एक ना चार्ज हो, बस हमने ये माना है इनिशियल कंडीशन ये है। इनिशियली क्या हुआ है, इनिशियली वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी वन एंड सी टू विच आर चार्ज इंडिविजुअली बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी वन एंड वी टू। यहां पे आप क्या रिलेशन लिख सकते हो, क्यू वन इज इक्वल टू सी वन वी वन एंड क्यू टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी टू वी टू होगा कि नहीं होगा बेटा। अब क्या कर दिया है, वेन these capacitors, when these capacitors are connected together, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से, ये C1 capacitor है बेटा और ये C2 capacitor है, दोनों को कोई बैटरी नहीं, दोनों को बैटरी से रिमूव किया और आपस में कनेक्ट कर दिया C1 C2 in such a way कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में, इस तरह से C1 का जो पॉजिटिव सरफेस था वो C2 के पॉजिटिव सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, और C1 का जो नेगेटिव सरफेस था वो C2 के नेगेटिव सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा बेटा, देखो नॉर्मल सी बात है, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उससे चार्ज दूसरे कैपेसिटर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो जिसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है उससे दूसरी तरफ फ्लो होने लग जाएगा, और ये चार्ज कब तक फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। लेट्स से चार्ज फ्लो हुआ है और आफ्टर सम टाइम इसके क्रॉस भी पोटेंशियल वी आ गया है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल वी आ गया है, और ये जो पोटेंशियल वी है इसे क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन पोटेंशियल। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, और इस वक्त इसके ऊपर प्लस क्यू थ्री चार्ज है और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस क्यू फोर चार्ज आ गया, और इस तरफ उतना ही नेगेटिव माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर। ओके, तो पहले ये था, फाइनली ये चीज हो गई है जब कैपेसिटर्स को, पहले कैपेसिटर को क्या करता है इंडिविजुअली चार्ज किया है विद बैटरीज, और फिर उन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है हमने। ओके, और कनेक्ट कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया है, दोनों कैपेसिटर के ऊपर डिफरेंट चार्ज होने की वजह से, डिफरेंट पोटेंशियल होने की वजह से दोनों के क्रॉस, देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है वी वन, इसके क्रॉस कितना है वी टू, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सर्फेसिस सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। ठीक है, जैसे ये देखोगे ये दोनों सर्फेस के बीच में पोटेंशियल तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। अगर इसके पास क्यू थ्री है, इसके पास क्यू फोर है, और इसके ऊपर पोटेंशियल वी आ जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल वी आ जाएगा, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। अब हमने वही कॉमन पोटेंशियल निकाला है बेटा। इस प्रोसेस के दौरान अगर इनिशियली चार्ज टोटल क्यू वन प्लस क्यू टू था, इनिशियल चार्ज कितना था बेटा, देखो इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 है बेटा, और इन दोनों सरफेस के ऊपर फाइनली चार्ज कितना हो गया है, Q3 प्लस Q4 हो गया कि नहीं बेटा, फाइनल चार्ज Q3 प्लस Q4 हो चुका है कि नहीं हो चुका बेटा। देखो इस प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी कोई चार्ज लीकेज हुआ है क्या, कोई हमारा चार्ज बाहर लॉस हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, हमारा क्या है, जब इनके पास जो चार्ज था वो इन्होंने आपस में शेयर किया है बेटा, तो चार्ज कहीं पे लॉस नहीं हुआ है, आपस में शेयर हुआ है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू फोर। इसे क्या लिख सकते हैं, सी वन वी वन, इसे क्या लिख सकते हो, सी टू वी टू, इसे सी वन इंटू वी, इसे सी टू इंटू वी। इधर से v कॉमन आएगा तो v विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, क्लियर है बेटा? तो अब मैंने आपको बताया भी था पहले पार्ट में, कूलम्स वाले में याद करो, मैंने बोला था कि फॉर द टाइमिंग याद रखो शेप एंड साइज सेम है तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब चार्ज सेम नहीं आ जाता दोनों के ऊपर। ओके, तो आप यहां पे देख भी सकते हो शेप एंड साइज सेम होने का मतलब है कैपेसिटेंस सेम है यहां पे, क्लियर है? कैपेसिटेंस सेम होगी तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी वी बाई टू बन जाएगी ना। तो अगर आप यहां पे डालोगे वो वैल्यू तो यहां पे चार्ज आपका क्या रहेगा इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर फाइनली इक्वल चार्ज, क्यू थ्री क्यू फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल आ जाएगी, आप करके देख सकते हो वो चीज। ओके, तो अगर आपको शेप एंड साइज इक्वल ना हो फिर आपको इस तरह से सोचना होगा कैपेसिटेंस वाली फॉर्म में, ये ज्यादा ईजी है। तो दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज फ्लो हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज है ये अनचार्ज है, मतलब V2 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसी एक्सप्रेशन में V2 की वैल्यू जीरो डाल दो, C1 V1 by C1 plus C2 आ जाएगा, फिर कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको घुमा के भी डालेंगे बेटा, तो आपने वहां पे तैयार रहना है चीज के लिए, जो क्वेश्चन में डालेंगे आपने उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुकी है कॉमन पोटेंशियल की, जब हमने दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया इन सच अ वे कि एक का पॉजिटिव सरफेस दूसरे के पॉजिटिव सरफेस के साथ कनेक्शन में है। ओके, अब हमने नेक्स्ट जो करना है बेटा, क्या इस दौरान कोई लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बता ही दिया बेटा जब कैपेसिटर चार्ज होते हैं तो एनर्जी लॉस होता ही होता है। ओके, तो यहां पर कितनी एनर्जी लॉस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? और इवन मैं पहले भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा आपको कि जी एनर्जी लॉस होगा, चलो एक बार ठीक है, अभी प्रूफ करते हैं कि एनर्जी लॉस होगा गेन होगा, अगर लॉस होगा कितना होगा, गेन होगा कितना होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो जीरो आना चाहिए रिजल्ट हमारा, है ना? तो बट मुझे पता है लॉस है, मैं नाम यही लिख रहा हूं टॉपिक का, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड की, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम क्या आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब दोनों कैपेसिटर बेटा। देखो पहले कैपेसिटर के पास कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, और दूसरे के पास कितना होगा, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। दोनों कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड कर देंगे तो ये इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के पास। ओके, जब उनको आपस में लगाया तो क्या हुआ, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। तो फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा, यूएफ लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर, क्योंकि आप पोटेंशियल दोनों के क्रॉस क्या आने वाला है, वी। तो बेटा यहां पे वी लिख लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, हाफ सी वन प्लस सी टू और वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूं बेटा अभी मैं, जो अभी लिख किया था, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू, ठीक है? यहां से वी स्क्वायर कॉमन लेके उस वी की वैल्यू डाल दिया हमने। अब हमें बेटा देखो ये चेक कर रहे हैं ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है कि नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा बेटा। ओके, अगर फाइनल एनर्जी बड़ी है तो गेन हुआ है, अगर फाइनल एनर्जी छोटी है तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, तो चेंज, अब फिर मैं वही लिख रहा हूं बेटा, लिख मैं नहीं वही रहा हूं, आपका कंफर्म भी हो जाए, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया तो चार्ज शेयर किया, उस वजह से लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, अगर लॉस मान रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल लिख देते हैं, मतलब इनिशियल बड़ा है फाइनल छोटा है। अगर हमारा रिजल्ट फाइनल पॉजिटिव आएगा इट मींस हम सही सोच रहे थे कि इनिशियली ज्यादा है एनर्जी फाइनली कम है, बट अगर आपका फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आएगा इट मींस आपने उल्टा सोचा है, फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आने का मतलब है ये वैल्यू बड़ी है आपकी, फाइनल वैल्यू बड़ी है, गेन आ जाएगा। अगर फाइनल रिजल्ट जीरो आ गया
इट मींस दोनों इक्वल है, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ही नहीं. ओके तो अब करते हैं बेटा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस ये कितना है बेटा, हाफ सी वन प्लस सी टू और ये आ जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर है ना, और नीचे भी आ जाएगा सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर. अब देखो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बेटा. अगर तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है फिर तो बहुत इजी है, इनमें वैल्यूज डालो, इनका दोनों डिफरेंस निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा. बट आपने अगर एक्सप्रेशन बनानी है तो फिर तो आपको यहां पे इसे सिंप्लीफाई करना है. अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बेटा एक तो हाफ कॉमन ले लेते हैं सब में से, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो बेटा इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं एक्सप्रेशन में, क्या एलसीएम आ जाएगा सी वन प्लस सी टू. सी वन प्लस सी टू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जब सी वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर. ओके सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा बेटा, सी वन को इसके साथ किया तो क्या देगा सी वन सी टू वी टू स्क्वायर. फिर सिमिलरली सी टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर. ओके अब माइनस देखो बेटा इसके नीचे तो सी वन प्लस सी टू ऑलरेडी है जो हमने एलसीएम लिया है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की डेंटिटी के साथ. ओके और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे और आगे माइनस मतलब अगर अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सबसे पहले सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू. आई होप आपको ये समझ आ गया जो मैंने किया है यहाँ पे, कुछ नहीं किया बेटा आइडेंटिटी लगाई है. देखो अब कुछ कटिंग हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ और ये कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ, हमारे पास ये बची है चीजें. इनमें से आप क्या कर सकते हो, इनमें से इन तीन टर्म्स में से मैं सी वन सी टू कॉमन ले सकता हूं. सी वन सी टू कॉमन ले लिया है, नीचे सी वन प्लस सी टू है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचा है देखो वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू. इसे क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ C1 C2 by C1 plus C2, ये क्या आ जाएगा V2 minus V1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा. अब यहां पे V1 minus V2 भी लिख सकते हो क्योंकि होल रेस टू पावर स्क्वायर है. अब देखो बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब है Ui is greater than Uf, मतलब इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. इसका मतलब क्या है, हमारी एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है बेटा. तो जब दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज दे लॉस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन बाय हाफ सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इंटू वी टू माइनस वी वन बाय वी टू माइनस वी वन होल स्क्वायर. क्लियर है बेटा. तो यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन फॉर्म में आ गया है. न्यूमेरिकल्स में बेटा देखो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिंपली सी वन वी वन की वैल्यू डालो, सी टू वी टू की वैल्यू डालो, एक न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा यहाँ पे. सिमिलरली इसको सॉल्व करके न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा, दोनों न्यूमेरिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा. ओके बट यहां पे अगर आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करनी आती है फिर आपको इसी तरीके से इसी मेथड से करनी पड़ेगी बेटा. तो अभी हमने जो पार्ट किया है, हमने क्या किया है बेटा, दो कैपेसिटर्स को चार्ज किया और आपस में कनेक्ट किया है, उस कनेक्शन की वजह से उनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ है टिल दे अटेन सेम पोटेंशियल, दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. आपको पूछा जा सकता है डिफाइन कॉमन पोटेंशियल. और फिर हमने देखा है ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड दैट लॉस इज गिवन बाय हाफ सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इंटू वी टू माइनस वी वन बाय होल स्क्वायर. सी वन सी टू क्या है यहाँ पे, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. वी टू वी वन क्या है, इनिशियल पोटेंशियल जिसके क्रॉस उन्हें चार्ज किया गया है. क्लियर है बेटा. तो ये लॉस ऑफ एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर था जब उन्हें चार्ज किया गया. ओके आपने एक काम और करना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चलो एक्सप्लेन कर, बट मैं सोचना आपने यहां पे देखो बेटा क्या था बेटा, हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर थे सी वन, इसको वी वन के क्रॉस चार्ज किया मैंने कुछ इस तरह से, इसके ऊपर आगे चार्ज क्यों बना और ये प्लस था ये माइनस था. सिमिलरली दूसरा कैपेसिटर सी टू था, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस. ओके इसके क्रॉस बैटरी लगाई वी टू, V1, V2 इसके ऊपर चार्ज था क्यों, कुछ इस तरह से था.
अब इन दोनों कैपेसिटर्स को, चार्ज कैपेसिटर को मैंने आपस में कनेक्ट किया है, बट अब मैंने एक चेंज कर दिया है। जो डेरिवेशन हमने की उसमें क्या था, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ किया था, बट पॉजिटिव को अब मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव के साथ, कुछ इस तरह से। तो अब आपने बताना है फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, इसको आपने बैठ के सोचना है घर पे कि जब दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है इन सच अ वे कि पॉजिटिव सरफेस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव सरफेस ऑफ अनदर कैपेसिटर, देन व्हाट इज द फाइनल कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो आपने ये करके देखना है घर पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आज के दिन के लिए आपने ये सोचना है घर पे बैठ के, और इसे करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है। जैसे मैंने यहां पर किया है वैसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो इस चीज को। क्लियर है बेटा ये पार्ट? तो बेटा एनर्जी के बारे में पढ़ा है हमने, जो कैपेसिटर्स है वो एनर्जी स्टोर्ड करते हैं, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी निकाला है, फिर कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया, लॉस ऑफ एनर्जी निकाला है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करेंगे। यहां पर जस्ट मैंने दो कंबाइन करके दिया, दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा, और उनको आपस में बैटरी में लगाएंगे, बैटरी के साथ लगाएंगे। यहां पे जो किया है कैपेसिटर्स को चार्ज किया और आपस में कंबाइन किया, अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे आप 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते थे सीरीज पैरेलल, वैसे ही यहां पे करेंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में लगाएंगे, एंड फिर फाइनली उस सर्किट को बैटरी में कनेक्ट करेंगे, और फिर उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तब तक आप इस पार्ट को कवर करिए, आप अपने नोट्स बनाइए बेटा, एनसीईआरटी के जो इस पार्ट में से क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करिए। ओके, आई होप आप ये चीज कर रहे होंगे बहुत इजीली, ठीक है। आपने कंडक्टर्स वाला पढ़ा था, यहां पे मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारे पास लेट्स से एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अब आपको मालूम ही है स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं यहां पर स्मॉल, बहुत इंफाइनाइटली स्मॉल होल कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, इस कंडक्टर के सरफेस पे एक छोटा सा होल कर दिया, तो होल करने से इस कैपेसिटर के जस्ट, सॉरी, इस होल के जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है आपने। तो ये क्वेश्चन भी करिए घर पे। हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इफ अ स्मॉल होल इज पंच्ड एट इट्स सरफेस, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड दैट होल। तो ये क्वेश्चन भी करिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। ये जो मैंने लिख दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड जीरो, इसको यूज करिए, ठीक है। यहां पे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज वाला पेज खोलिए जहां पे नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स यहां पे काम है इस क्वेश्चन को करने के लिए, प्लीज इसे ट्राई करिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आ सकता है, बोर्ड पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो प्लीज इसे ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।